नमस्कार दोस्तों, केपीसीडी में आप सबके साथ कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग कंपनी की तरफ से दोस्तों बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है। ये जो भर्ती निकला गया है, सैमसंग जो मोबाइल कंपनी है जिसमें डिस्प्ले बनाती है, उसी कंपनी द्वारा ये भर्ती निकाला गया है, जिसने यहाँ पे बताया कि सीधी भर्ती होने वाला दोस्तों सभी का। यहाँ पे इस कंपनी में 8 घंटे 26 दिन आपका ड्यूटी चलने वाला है, और 8 घंटे 26 दिन ड्यूटी करके आप महीने में दोस्तों इसमें लगभग 25,000 तक पर मंथ सैलरी कमा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ इस कंपनी में जो फैसिलिटी देती है, वो फैसिलिटी यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख लीजिए। जैसे कि खाना यहाँ पे प्रोवाइड करती है, डिनर आपको दिया जाता है, टी, स्नैक्स, PFESI, बस OT आपको यहाँ पे 150 रुपये घंटा तक मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जो भी कैंडिडेट सैमसंग कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं, वो वीडियो को पहले शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। मेरा वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा, तो पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले और कुछ भी आप लोगों को डाउट ना रहे कंपनी में जाने से पहले, ठीक है। यहाँ पे 10वीं 12वीं IT डिप्लोमा ग्रेजुएटेड जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताया गया, इसी क्वालिफिकेशन स्टूडेंट के लिए फिलहाल भर्ती निकाला गया है। जिनमें से किसी भी क्वालिफिकेशन का आपके पास होगा, आप अगर जॉब चाहते हैं सैमसंग कंपनी में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर दीजिएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। और फिलहाल जो IT पास स्टूडेंट है, आपको दोस्तों मैं एक डेट बताऊंगा, एक एड्रेस बताऊंगा, ठीक है। उस डेट को, उस एड्रेस को अगर आप लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों का सैमसंग कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो 10वीं 12वीं और डिप्लोमा ग्रेजुएटेड पास स्टूडेंट है, वो मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं खुद आपको इसमें भर्ती करा दूँगा, ठीक है ना। लेकिन मैसेज करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी लीजिए, फिर मैसेज कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों पे, अपने ग्रुपों पे, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों पे, ताकि कोई भी 10वीं 12वीं IT डिप्लोमा और ग्रेजुएटेड पास करके घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको अगर कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा है तो उनको ये वीडियो दिखा दीजिएगा, उनको 100% जॉब मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ KPSIT यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। देखिए मैं डेली 1-2 कंपनी का वीडियो अपलोड करते रहता हूं, तो उनमें से किसी ने तो किसी कंपनी में आपको जॉब मिल ही जाएगा, लेकिन आपको KPSIT यूट्यूब चैनल से बने रहना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो देख के नहीं जॉब मिलता है तो क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप पर जाकर मैसेज करेंगे, मैं आपको दोस्तों जॉब दिला दूंगा, वो भी दोस्तों 10 से 15 डेज के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो। अगर जॉब करना नहीं चाहते हैं तो आप दोस्तों 10 के 15 के आप सालों साल बैठे रहेंगे घर पे, आपको जॉब नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और दोस्तों सैमसंग कंपनी के अलावा दोस्तों बहुत सारी कंपनी में भर्ती है। अगर दिल्ली में आप जॉब चाहते हैं, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट में आप अगर जॉब करना चाहते हैं, तो फिलहाल 1074 पोस्टों पर भर्ती निकला है, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर पहले देख लीजिएगा, और फिर अगर दिल्ली एयरपोर्ट में आपको जॉब करना है तो मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। 1074 पोस्टों पर भर्ती निकाला गया है, ठीक है ना, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसी में आपका भर्ती होने वाला है। इसमें मैं खुद भर्ती करा रहा हूँ, मेरा रेफरेंस रहेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आपको मुझे व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट और जो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी 350 रुपये बताया गया है, वो रजिस्ट्रेशन फ़ी दोस्तों मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपका फॉर्म अप्लाई करूँगा और मैं आपका सिलेक्शन कराऊँगा। सिलेक्शन कराने के बाद दोस्तों आपके जो फर्स्ट सैलरी आएगा ना, तो फर्स्ट सैलरी से आपका यहाँ पर 15,000 रुपया लिया जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, फर्स्ट सैलरी आएगा, तब आपको इससे कितना लिया जा रहा है, 15,000 रुपया लिया जा रहा है, और 15,000 रुपया में दोस्तों आपको दिल्ली एयरपोर्ट में परमानेंट जॉब मिल रहा है। तो ऐसे मौके मत मिस कीजिए, ये जो भर्ती है वो 12वीं और IT पास स्टूडेंट के लिए, बाकी यहाँ पे अदर कोई भी क्वालिफिकेशन वालों को नहीं लिया जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट में, ठीक है। तो आप लोग मैसेज करने से पहले क्या कीजिएगा, इसका वीडियो बना हुआ है जाकर देख लीजिएगा, पूरी जानकारी ले लीजिएगा, फिर अगर करना होगा तभी मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना कि वीडियो ना देखे मैसेज कीजिए, वीडियो देखने के बाद ही मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 7643024436, ठीक है। इसी नंबर पे कॉल वगैरह नहीं करना है, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है। मैसेज करके आप अगर बोलते हैं कि मैं कॉल कर सकता हूँ, आपके पास अगर रिप्लाई आता है कि हाँ आप कॉल कीजिए, तभी कॉल कीजिएगा, नहीं तो कॉल करने का ज़रूरत नहीं है। कितना भी आप कॉल कर लीजिएगा, कोई भी आपका कॉल रिसीव नहीं करेगा, मैं पहले आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ साफ साफ, नहीं तो आप लोग बाद में बोलेंगे कि आप नंबर दे दिए थे, कॉल किए थे, आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको वीडियो में साफ साफ बता रहा हूँ जो चीज़, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जैसे कि सैमसंग के बारे में मैंने बताया कि सैमसंग में 10वीं 12वीं IT डिप्लोमा ग्रेजुएटेड आप अगर मेरे थोड़े जाना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों फ्री में मैं नहीं करा सकता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए दोस्तों आपको कितना देना पड़ेगा, जो 10वीं 12वीं IT पास स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे 1,000 रुपये चार्ज है,
जो आपको डॉक्यूमेंट के साथ पहले पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलेंगे कि बाद में दे दूंगा तो बाद में नहीं चलेगा, डॉक्यूमेंट के साथ पहले पेमेंट करना पड़ेगा तभी जाके मैं करा सकता हूँ। और जो डिप्लोमा ग्रेजुएटेड वाले हैं उनके लिए यहाँ पे दोस्तों 1500 रुपये चार्ज है, ठीक है। तो आपको 1500 रुपये में दोस्तों अगर अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल रहा है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकता है, ठीक है। 1000 रुपया 1500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आपको जॉब मिलना सबसे बड़ी बात होता है, क्योंकि इन सब कंपनी में जॉब करने के लिए दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट लाइन में खड़े रहते हैं लेकिन उनको जॉब मिल नहीं पाता है। और मैं आपको इतना कम में करा दे रहा हूँ ताकि हमें पता है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जॉब करने के लिए जाएंगे वो सारे बेरोजगार ही जाएंगे, जिनके पास जॉब होगा वो कभी नहीं जाएंगे इसमें जॉब करने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पर, जिनको करना होगा, जिनको नहीं करना है उनको फालतू का मैसेज वगैरह करने का जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग चलते हैं सैमसंग कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन चलकर दोस्तों मैं सारी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए हम लोग सैमसंग कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके हैं। यहाँ पर बताया गया कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक सैलरी जॉब्स इन नोएडा आईटी पास स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकाला गया 2024 में। तो जैसे कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि 10वीं 12वीं आईटी डिप्लोमा और ग्रेजुएटेड के लिए, तो जो इसमें मैं पहले बता रहा हूँ वो आईटी पास स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। जो डेट बताऊँगा, जो एड्रेस बताऊँगा, उस डेट को उस एड्रेस पर आप अगर चले जाते हैं तो आपको फ्री में सिलेक्शन हो जाएगा आईटी पास स्टूडेंट का। अगर आप मेरे थ्रू जाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या कंडीशन रहने वाला। बाकी जो 10वीं है, 12वीं है, जो डिप्लोमा है, ग्रेजुएटेड है, उन सभी को दोस्तों मैं कराऊंगा, ठीक है। ओनली आईटी पास स्टूडेंट जो डेट और एड्रेस बताऊंगा इसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के बारे में लिखा गया कि कंपनी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, कहाँ पे है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया कि आईटी पास स्टूडेंट एनसीबीटी एससीबीटी दोनों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाला गया, दोनों इसमें जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि आपको परमानेंट जॉब पाने का भी यहाँ पे अवसर मिलेगा, आपका परफॉर्मेंस पे यहाँ पे परमानेंट किया जाता है कंपनी में। ऐसा नहीं कि पहले आपको मिल जाएगा, आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको 100% इसमें परमानेंट जॉब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट सैमसंग में ऑलरेडी परमानेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी के बारे में दिया गया। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी नाम दे दिया सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एलटीटी, जॉब प्रोफाइल जॉब रहने वाला और ट्रेनर एसोसिएटेड के लिए लिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th के साथ आपका आईटी कंप्लीट होना चाहिए तभी आपको इसमें लिया जाएगा, ठीक है। एज आपका 18 से 26 साल होना चाहिए, लेकिन मैं जो कराऊंगा वो 18 से 35 साल तक होगा। चाहे आपका क्वालिफिकेशन 10th 12th आईटी डिप्लोमा ग्रेजुएटेड जो भी किए हैं, आप अगर मेरे थ्रू जाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। और ये प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है, ये प्लेसमेंट में आप लोग जाएंगे तो आपको 18 से 26 साल के एज है तभी आपको लिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको फ्री में सिलेक्शन हो जाएगा। जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती है, महिला पुरुष दोनों इसमें जॉब कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका नोएडा ईपी में रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि नोएडा में इसका एक नहीं 3-4 कंपनी है, जिसमें सैमसंग डिस्प्ले है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सैमसंग मोबाइल है, ठीक है ना। यहाँ पे बता दिया गया कि सैलरी के बारे में कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सैलरी बता दिया कि कितना आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कैंपस डेट बता दिया गया कि 28 जून 2024 को ये प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही थी, उसी दिन आप लोगों को जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं और भी डिटेल में आपको जानकारी दे देता हूँ नीचे चल के, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो पोजीशन आपका क्या क्या रहने वाला बता देगी कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन ऑपरेटर एसएमटी डिपार्टमेंट क्वालिटी एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलने वाला है, ठीक है। 300 डिपार्टमेंट में ही आपको जॉब करना पड़ेगा। ज़्यादा तो ज़्यादा दोस्तों क्वालिटी में किन को जॉब मिलता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो ग्रेजुएटेड वाले हैं, जो 12th वाले हैं, ठीक है ना, इनको ज़्यादातर क्वालिटी में दिया जाता है। डिप्लोमा वालों को भी कभी कभी क्वालिटी में दिया जाता है, लेकिन डिप्लोमा वालों को ज़्यादातर मेंटेनेंस में, और दोस्तों जो ऑपरेटिंग का काम होता है उसमें डिप्लोमा वालों को जॉब दिया जाता है। आईटी वालों के लिए दोस्तों तो सारे डिपार्टमेंट में जॉब अवेलेबल होता है, मेंटेनेंस में भी होता है, क्वालिटी में भी होता है, एसएमटी डिपार्टमेंट में भी होता है, ठीक है ना। तो आईटी पास स्टूडेंट के लिए कोई टेंशन नहीं है। जो 10वीं पास स्टूडेंट है उनको हेल्पर में लिया जाता है, जैसे कि असेंबली लाइन में भी आपको दिया जा सकता है 10th 12th वालों को, या और भी जगह जहाँ पर हेल्पर का जरूरत होता है वहाँ पर आप लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैटेगरी बता दिया है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 10th के साथ आपका आईटी कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ चाहे आईटी एनसीबीटी से किए हैं, एनसीबीटी से किए, चाहे गवर्नमेंट आईटी से आईटी किए हैं या प्राइवेट कॉलेज से किए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए यहाँ पे भर्ती है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे नीचे देख सकते हैं और भी आईटी पासिंग ईयर दे दिया गया है, और ट्रेड यहाँ पे दे दिया गया है क्या क्या आपका ट्रेड होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स होना चाहिए, मैकेनिक जो कंज्यूमर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन फीटर आईसीटी एसएम आरएसी है ना, वायरमैन ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन इस प्लेसमेंट में जो पार्टिसिपेट लेंगे उनका यहाँ पे दोस्तों पासिंग ईयर भी दिया गया 2021-22 और 23, लेकिन मैं जिसमें कराऊंगा उसमें कोई भी पासिंग ईयर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग टाइम आपका 8 घंटे 26 दिन रहने वाला है। आप देखिए यहाँ पे और भी कुछ दिया गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होने वाला है।
तो यहाँ पे जर्नी पर सबका रिटर्न टेस्ट, बेसिक इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जहाँ पे प्लेस में लगाने के लिए जा रही है वहीं पे ये सारी चीज़ आपका हो जाएगा। ये फॉर्मेलिटी है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, लेकिन मैं जिसमें कराऊंगा ओनली सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रिटर्न टेस्ट वगैरह का झमेला नहीं है। यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्लेसमेंट में लेके जाना है, और जब मैं आपको बुलाऊंगा तब भी आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आना है, और मुझे व्हाट्सएप पर भी यही डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है ना। आपको अपडेट रिज्यूम भेजना है, 10th का मार्कशीट एंड IT का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भेजना है, फ़ोटो कॉपी, ठीक है, मेरे को नहीं भेजना है, मतलब फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, और उसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट का डिटेल अभी भेजने का ज़रूरत नहीं है, जब आपको बुलाया जाएगा तब आप भेजिएगा मेरे को, लेकिन प्लेसमेंट में जा रहे हैं तो आपको लेके जाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज कलर वाला फ़ोटो आपको लेके जाना है प्लेसमेंट में, 3-4 कॉपी, लेकिन मेरे को व्हाट्सएप पर ऑन कॉपी ही भेजना, ज़्यादा नहीं। मेरे को सारा चीज़ जो भी यहाँ पर बताएगा सारा ऑन कॉपी भेज दीजिएगा, फ़ोटो खींच के या PDF बना के आपका हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड होना ज़रूरी है, अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं होगा तो फिर PF में दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो पैन कार्ड जो नहीं बनाए हैं वो ज्वाइनिंग तक बना लीजिएगा। उसके साथ यहाँ पे देखिए और भी चीज़ दिया गया है, जहाँ पे लगाने के जा रही प्लेसमेंट वगैरह, तो 28 जून 2024 को लगाई जा रही है, सुबह 10 बजे आपको जाना पड़ेगा। इंटरव्यू एड्रेस बता दिया, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही, तो वहीं पे दोस्तों आप लोगों को जाना पड़ेगा 28 जून 2024 को सुबह 10 बजे पहुँच जाना है, जिनको इस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट होना है। मैंने पहले पार्टिसिपेट कौन हो सकता है सारा कुछ मैंने बता दिया, वो कैटेगरी वगैरह देख लीजिएगा, वीडियो को अगर स्किप करके आप लोग देखे होंगे तो, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं वीडियो को पूरा देखते नहीं है, सिर्फ डेट देख लेते हैं और चले जाते हैं, तो डेट देखने से चले जाने से नहीं होगा, आपको एलिजिबल कैटेगरी अभी समझना होना चाहिए। जैसे कि 2021, 22 और 23 पास आउट को ही लिया जा रहा है, ठीक है ना, और मैं जिसमें कराऊंगा ऑल पास आउट, यहाँ पे एज 18 से 35 साल, ये सारी चीज़ लिया जाएगा, लेकिन मैंने अपना कंडीशन बता दिया। जिनको करना होगा व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिए फटाफट से, जिनको नहीं करना है उनको मैसेज करने का जरूरत नहीं, जिनको दिल्ली एयरपोर्ट में जॉब करना है उनके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट का पहले वीडियो देख लीजिएगा, आई बटन पर मिल जाएगा या मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया, फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर, अपने फ्रेंडों पर, ठीक है, अपने रिश्तेदारों पे, अपने ग्रुप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आगे चल के आपका और भी काम आए, ठीक है।